वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की वीडियो रोज़ रात के 9 बजे आपको मिल जाएगी। इस क्विज में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन पर आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। चंपारण आंदोलन बिहार राज्य में शुरू हुआ था, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। गरबा लोक नृत्य गुजरात राज्य में प्रचलित है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सिलाई के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का फारसी में अनुवाद किया था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, अबुल फजल। अबुल फजल ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुप्रिया झील पर स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, दुलुत। दुलुत शहर सुप्रिया झील पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का विस्तार अधिक है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, एशिया में। एशिया में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का विस्तार सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, चांदी का। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा नए ट्रैफिक चालानों में लगभग 50% तक की कटौती करने की घोषणा की गई है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, गुजरात राज्य ने 50% तक की कटौती करने की घोषणा की है ट्रैफिक चालानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल पत्रिका द लेनेस्ट
द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया से किस वर्ष तक मलेरिया समाप्त किया जा सकता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एनआरआई उद्योगपति को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए नामित किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी, रामी रेंजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है डी, नेपाल देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, जस्टिस विक्रम नाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का पहला मेक इन इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसका आंसर है बी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में छठी रणनीतिक आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसका आंसर है ए, चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने पृथ्वी के वायुमंडल का एक फिंगरप्रिंट बनाया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है डी, कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की परिसंपत्ति तथा देनदारी के वितरण हेतु कितने सदस्य समिति का गठन किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसका आंसर है ए, 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये थी आज की क्विज, कल मिलते हैं इसी टाइम पर अगली क्विज के साथ। आपको ये क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।